बंद करो, 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 मैडम आज यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया गया पानी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? 15-20 दिनों से मुमरा कौसा में बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके लिए मेरे जो वालिद है माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ चानू पठान, उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था टीएमसी में। उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि काम होगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुमरा कौसा को आप कितने टाइम तक के ये बोलते रहोगे कि पानी का प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर कम है? महीने में 4 बार आपका पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो 4 बार प्रेशर कम होता है, कब तक मुमरा कौसा को एड़ा बनाओगे ये बोल बोल के पानी का प्रेशर कम है? महीने में 4 बार पानी का प्रेशर कम हो रहा है, तो कहाँ है आपकी सुविधा? आप पावरफुल टीएमसी हो, थाने महानगर पालिका कोई भिखारी टीएमसी नहीं है, गरीब टीएमसी नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट टीएमसी है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीएमसी है महाराष्ट्र की। और आप लोग और मुमरा वहाँ पे भाई लोग चांद पे जा रहे और यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन मुमरा कौसा को पानी नहीं है। आपको फैक्चुअल बात बताती हूँ, MIDC ने संपा मुखाड़ के फेंक दी कल्याण फाटा में, महापालिका को पता ही नहीं है इसके बारे में। जब मेरे फादर ने उस पर आंदोलन किया तब उसको उनको पता चला कि महापालिका ने उखाड़ के फेंक दिया संप को, तो कहाँ आपका ध्यान किधर है? महापालिका बंद है तो आपका ध्यान किधर है? फिर 3-3.5 साल से महापालिका बंद है, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? कचरे की तकलीफ हो रही है, चैम्बर की तकलीफ हो रही है, पानी की तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर आएंगे? कॉर्पोरेटर्स के पास ही आएंगे ना बोलने के लिए। अरे वो चेन ही तोड़ दिया आप लोगों ने, 3.5 साल से वो चेन ही टूटी हुई है, तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? अगर MLA साहब के पास जाना तो 1 दिन लगता है कम से कम पहुंचने के लिए, MP के पास जाना रहेगा तो 1 हफ्ता लगेगा। सबसे पहले लोग कहाँ आएंगे? नगर सेवक के पास आएंगे, और नगर सेवक जब दम दाटी करता है वहाँ पे जाके सवाल करता है तो काम होता है। आपने वो चेन ही तोड़ दी पूरी, और आप बोलते हो हम सक्षम है, हम करके देंगे। कहाँ करके दिया आपने? 15-20 दिन से लोगों के पास पानी नहीं है। आप टैंकर का बोल रहे हो, आपका 3 और 4 टैंकर के फेरे इतने बड़े मुमरा की आबादी में बस होगा? 300 डायमीटर की आपकी जो लाइन है जो बाईपास से इधर आ रही है, मुमरा में बाईपास के थ्रू आती है वो लाइन, पानी मिलता है मुमरा को उससे, वो लाइन 25 साल पुरानी है। 2019 में पहला पास हुआ 170 करोड़ का रिमॉडलिंग का बजट मुमरा दीवा के लिए, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा बढ़ाव होके 2020 करोड़ का वो बजट निकला। मुझे बताओ, मुझे टीएमसी से पूछना है, अधिकारियों से पूछना है, उस साथ से पूछना है, बताओ आप मुझे कि उसमें से कितना करोड़ आपने मुमरा के लिए खर्चा किया, और अगर किया है तो सिफाइल का है, और किधर किधर किया है आपने उसको खर्चा, और उसका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों रहा है? क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमको देखने के लिए जरा भी नहीं मिल रहा है। अरे इम्प्रूवमेंट छोड़ो, जाके वो चेक करो, उसके वॉल और नट्स तक नहीं बदले गए हैं। 25 साल पुरानी लाइन है 300 डायमीटर की, 25 साल पहले कितनी आबादी थी मुमरा कौसा में? हाँ, आज कितनी आबादी है मुमरा कौसा में? 25 साल पहले कितना टैक्स लेते थे आप मुमरा से? आज कितना टैक्स लेते हो? लेते हो ना टैक्स, लेते हो ना? जो अधिकारी जो सारे लोग वहाँ पे सिस्टम के बैठे हुए हो ना, वो वहाँ पे बैठे इसलिए क्योंकि आम आदमी अपने पैसे भरता है, आम आदमी टैक्स भरता है, इसके लिए आप वहाँ पे बैठ सक रहे हो, आपकी जॉब वहाँ पे है, ठीक है मैडम? अगर पब्लिक वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भंग कर दे तो आपका टीएमसी बंद हो जाएगा। मैडम अभी आपके वालिद ने जो है आंदोलन फेलियर था, जिसकी वजह से आज भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन कभी फेलियर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जब प्रशासन भैरी हो जाती है तो फिर लोगों को बाहर निकल के एकजुट होकर के लोगों को जब तक वो सुनने ना लगे तब तक के उनको सुनवाना पड़ता है। मैडम आपके वालिद ने आंदोलन किया, आपने आंदोलन किया, अभी भी अगर आपको आश्वासन दिया गया अगर नहीं काम होता है तो इसके बाद आप क्या करोगी? हम लोग इससे डबल पब्लिक लेके जाएंगे कमिश्नर ऑफिस में, हमको डर नहीं लगता। अब क्या करोगे हमको, ताकि अंदर डालोगे, केस करोगे? पर पब्लिक इतनी तकलीफ है, पब्लिक पावर से बड़ा पावर नहीं है आप लोग का। क्या लेकर आए हैं तो क्या अधिकारी से बात हुई, क्या उन्होंने कहा, कुछ मुलाकात हुई उनसे? अभी अधिकारी से हमको बात करनी ही नहीं है, 15-20 दिन से रोज बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात करेंगे हम लोग अभी उनको? फिर वही बातें बातें बातें, करके दिखाओ हमको, प्रूफ करके दिखाओ हमको, पानी दो हमारी पब्लिक को, हमको नहीं लेना देना
तेरा प्रेशर कम है, तुमने अभी तक के 15 साल में तुमने मुमरा कौसर को अभी तक के तुमने क्यों नहीं दिया, एक सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं दिया? MIDC से तुम्हारा लिंक नहीं है क्या? ऐसे कैसे तोड़ दिया उसने संपम, आपको पता नहीं? क्या रीजन है, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? मुमरा में ये प्रशासन का फेलियर है या मुमरा कौसा में गंदी राजनीति की जा रही है, ये क्या है? जो भी है आई डोंट केयर, पब्लिक परेशान है और पब्लिक परेशान है तो हम परेशान है और हम पब्लिक के साथ है जब तक कि उनका मसला हल ना हो। ये पानी की तकलीफ सिर्फ मुमरा में है क्या दीवा और कलवा में भी है? ये पानी की तकलीफ सिर्फ मुमरा में है क्या दीवा और कलवा में भी है? थाने में भी थी जब मेरे वालिद ने किए थे तभी थाने में भी परेशानी, पानी की परेशानी यहाँ पे इतने टाइम से प्रोलोंग स्ट्रेस है पानी का, थाने में था एक दिन दो दिन में ठीक हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक।